खुलासा हुआ है इस गैंग की मोटर ट्रेंडी क्या थी और कितनी रिकवरी हुई है और कितनी वारदातों का अंजाम दिया है और ये गैंग क्रिएट क्यों ये फेस टू थाने में जो मोबाइल छिनैती या चोरी की घटनाएं हो रही थी इसके संबंध में फेस टू थानाध्यक्ष की टीम लगी हुई थी जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से 28 मोबाइल फ़ोन अलग अलग कंपनीज के और दो जो है अब मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। इसके साथ इनके पास से असलहे भी बरामद हुए हैं। इनकी मोटर सप्रेंडी की जानकारी की गई तो ये गैंग बनाकर ये लूट की या चोरी की घटनाएँ करते थे और ये अलग अलग फैक्ट्रीज़ में इन मोबाइल फ़ोन्स को बेच दिया करते थे। और चूंकि इसमें जो गैंग लीडर है उसने वो विक्रम सिंह उसने उधार के पैसे दे रखे थे अपने जो दो इनमें साथी हैं उधार चुकता करने की वो कर नहीं पा रहे थे जिसको लेकर के फिर इन्होंने आपस में ये गैंग बनाकर और मोबाइल छिनैती और चोरी की घटनाओं की शुरुआत की थी। इसमें कितनी जो घटनाएं कबूली हैं ये फेस टू थाने का जो है ये मोबाइल लूट की जो है वो दो घटनाएं खुली हैं। इसके साथ इनके पास से असलहे बरामद हुए हैं। 28 जो मोबाइल है ये अलग अलग जगह से चोरी करे हैं जिनको हम लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं जनपद के विभिन्न थानों से क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर इन्होंने वारदातें की हैं जिसमें करीब 4-5 थाने हमारे प्रभावित है तो वो लिंक करके और फिर उसमें विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाएगा। किसी निश्चित एरिया में ये जो रॉबरी हाँ बिल्कुल ये जो फेस टू हमारा थाना है उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जनरली इनका जो टारगेट एरिया था वो इंडस्ट्रियल एरिया है कि और जो फैक्ट्री से छूटने का समय रहता था जो रात को अक्सर उनकी शिफ्ट छूटती है उस समय ये लूट की घटनाएँ या चोरी की घटनाएँ कार्य करते थे। मोबाइल की दुकान है। अच्छा तुम क्या करते हो तुम मोबाइल कैसे बेच देते हो कंपनी में कहाँ में कंपनी है। अच्छा किसको देते थे 500,000 रुपये बेच देते मजदूरों को कर्मचारी को। अच्छा तुम मतलब दूसरे ठिकाने लगाते थे